हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पेंडुलम टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त आप लोगों को मसला होता है कि आपने टाइम पीरियड सही निकाला है कि नहीं निकाला है, तो उसको चेक कैसे करते हैं, तो वो आज हम आपको बताएंगे। सही है, देखो कोई भी प्रैक्टिकल होता है वो दो तरीकों से वो वेरीफाइड होता है। तो सबसे पहले तो वो थ्योरेटिकल थ्योरी के हिसाब से मैथमेटिकली वो प्रूफ होता है, और उसके अलावा वो प्रैक्टिकली भी प्रूफ होता है। सही है, तो दोनों तरीके से ये प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी पेंडुलम में यही काम करते हैं, एक तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके हम वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जब प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाए तो उसका मतलब वो मैथमेटिकली भी प्रूफ है। सही है, तो इसीलिए सबसे पहले लेट सपोज यहाँ पे टाइम पीरियड हमें निकालना है, किसी भी पेंडुलम पे कोई भी लेंथ आपको मिली है उस पे आपने टाइम पीरियड निकाल लिया है, तो आप इसको चेक करना है। सही है, लेट सपोज आपका जो पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर है। सही है, अब यहाँ पे देखें जो तरीका हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल आवर जी। सही है, तो अभी लेंथ जो आपने की है वो 75 सेंटीमीटर के पेंडुलम पे आपने 10 ऑसिलेशन या 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला, उसको चेक करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। सही है, हमें क्या चाहिए, पी टी की वैल्यू चाहिए, हमारे पास एल भी है और जी भी है। सही है, अब एल हमारे पास कितना है 75 और जी की वैल्यू, जी क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी किसके इक्वल होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम ये लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये जी की वैल्यू भी सीजीएस यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसीलिए 980 लिया यहाँ पे। सही है, उसके बाद वाई की वैल्यू हमें पता है 3.142 होता है। सही है, अब फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, हमने क्या किया इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पाई, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 3.142 सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद अंडर रूट एल, एल हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है 75, ये सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद 980 जी की वैल्यू 980 सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को जब डिवाइड करोगे तो ये 0.0765 कुछ आगे भी फर्दर भी वैल्यूज आएंगे। सही है, तो ये आएगा, जब इसका रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सही है, ये आ गई वैल्यू। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका टाइम पीरियड आता 1.73 सेकेंड्स आता है। सही है, 1.73 सेकेंड्स आ गया। अब ये जो है ये फॉर वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। सही है, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये, वन ऑसिलेशन का, जैसे ये पेंडुलम है। सही है, ये यहां से यहां जाएगा, इस दोनों तरफ ये ऑसिलेट करता है, जब ये यहां आएगा यहां पे टाइम स्टार्ट करेंगे, फिर यहां जाके फिर वापस यहां आएगा, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो इसका टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 1.73 सेकंड्स है। अब लेट्स सपोज आपको प्रैक्टिकल करना है 10 ऑसिलेशन का, तो ये जो भी वैल्यू आएगी अगर आपने 10 ऑसिलेशन पे किया तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 17.30, या 3 के आगे कोई और डिजिट भी आएगा 34 31 25 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो राउंड फिगर जो आएगा वो 17 के अंदर आएगा 10 ऑसिलेशन के लिए। सही है, अगर आपने 20 ऑसिलेशन का किया है तो आपने 20 मल्टीप्लाई बाय ये वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड करोगे तो आपको 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप चेक करते हैं। लेट सपोज आपने कोई परफॉर्म किया है,
सही है, उसकी लेंथ जो है पेंडोलम की लेंथ जो है वो 75 है और आपके पास टाइम टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन जो है वो 17.23 आया है। अब इसको आपने चेक करना है तो इस ये सही है कि गलत है, तो इसको चेक करने का ये तरीका है। इसी तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी रीडिंग सही है या गलत है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और भी लैब के हवाले से अच्छी चीजें लेके आएंगे जिसमें आप पेपर में भी आसानी से कर सको आप अपना पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।